नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमसी चैनल पर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रेलवे में लगातार ट्रेन है, अप्रेंटिस भर्ती आते जा रहे हैं सभी जोन से। और अभी जो आप लोग स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि WCR रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस भर्ती को लेकर नए नोटिस जारी किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस कम्प्लीट नोटिफिकेशन को, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होंगे, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नए अपडेट आए अप्रेंटिस भर्ती से रिलेटेड इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस डेट 14/12/2023 को ये नोटिस जारी किए गए हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं ये 23/24 के लिए यहाँ पे निकाले गए हैं अप्रेंटिस सेक्शन। और सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन अप्लीकेशन कब से होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो गई है 15/12/2023 यानी कि 15 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आखिरी तिथि है और टाइम है वो 14/1/2024 है यानी कि 14 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आखिरी तिथि 14 जनवरी निर्धारित किए गए हैं। अब चलिए यहाँ पे टोटल कितने यूनिट्स वाइज वर्कशॉप वाइज कितने सीट हैं। तो WCR में 3015 स्लॉट्स अवेलेबल हैं यानी कितनी रिक्तियाँ हैं, इतने लोग को अप्रेंटिस ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया सीटों की संख्या कितनी है, तो 3015। अब यहाँ पर यूनिट वाइज अलग अलग दिखाए गए हैं कि किस यूनिट में कितने हैं टोटल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते सभी के लिए अलग अलग स्लॉट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, अलग अलग सीट है सभी यूनिट में। तो जो भी यूनिट में आप लोग अप्लाई करना चाहे उस यूनिट के अनुसार, अपने कैटेगरी के अनुसार, आप किस कैटेगरी से हैं ये सब देख के, या फिर आपने जिस ट्रेड से ITI किया है उस ट्रेड के अनुसार जहाँ ज़्यादा रिक्तियाँ हैं उस अनुसार आप जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड मैं करूँगा जिसमें कि ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से भरना है, स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि नए वीडियो की जानकारी आपको तभी मिल पाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं एज लिमिट 14/12/2023 से काउंट की जाएंगे। एज लिमिट जो मिनिमम है वह 15 साल मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 24 साल आपके आयु होनी चाहिए। बाकी 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे SC ST कैंडिडेट को, और यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल आपको अतिरिक्त छूट दिए जाएंगे। PW BDS वगैरह अन्य जो भी हैं उन सभी को 10-15 साल के अतिरिक्त छूट यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये सब अपने अनुसार आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट यहीं पे होते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट जो है वह 10वां पास होना अनिवार्य है, 10th पास होना बहुत ही अनिवार्य, तभी आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। यदि 50% से कम मार्क्स हैं तो आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10th तो ये कंपलसरी, ये तो पास होना ही चाहिए, साथ में ITI होना बहुत ज़रूरी है। 10th और ITI है तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि 10th आपने सिर्फ किया है, ITI नहीं किया है, तो आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ITI में आप दो कंडीशन आते हैं कि मैंने NCVT से किया है, मैंने SCVT से किया है। तो जो SCVT से किया है क्या वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे आप NCVT से ITI किया हो या फिर SCVT से, दोनों में से किसी से भी यदि आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ट्रेड्स वाइज दिखाए गए हैं। ट्रेड्स आप लोग देख सकते हैं सभी ट्रेड, जितने भी ITI के नॉर्मल ट्रेड हैं वो सभी ट्रेड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, सभी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक थे, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो मेरिट लिस्ट बनेंगे इसमें किसी प्रकार के कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं और ना ही यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह होता है। तो ये सब जो है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करते हैं, आपके 10th और आपके ITI, इन दोनों के अनुसार आपके मार्क्स का एवरेज निकाल के, परसेंटेज निकाल के उस अनुसार यहाँ पे कट ऑफ तैयार किए जाते हैं। यदि आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसमें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है,
जितने भी ऑल कैंडिडेट्स हैं वो सब के लिए यहाँ पर 136 रुपये अप्लीकेशन फ़ी लगेंगे, यानी कि 100 रुपये तो अप्लीकेशन फ़ी है और साथ ही साथ 36 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग चार्ज आपको देने होंगे अलग से। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट जो भी हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं और साथ ही साथ वोमेन कैंडिडेट, यदि कोई गर्ल्स अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है तो उसके लिए सिर्फ 36 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी देना हो गया, यानी कि ये फॉर्म फ्री किसी के लिए भी नहीं है, मिनिमम 36 रुपये तो देने ही होंगे, चाहे फिर वो एससी एसटी से हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे पेमेंट भी बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे सिंपल है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, ये सब नॉर्मल से हैं, ये सब आपको आगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे इस फॉर्म को और इस नोटिफिकेशन को। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर से जरूर किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।